हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि हमें पता है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के इलेक्शन होने के बाद जैसा रिजल्ट आया है, उसके मुताबिक राज्यपाल का बीजेपी को आमंत्रण देना सुर्खियां बटोर रहा है। राज्यपाल पद एक बार फिर से चर्चा का कारण बन गया है, ठीक है। इसलिए आज हम राज्यपाल पर MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसका आंसर राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं, ठीक है। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया? तो राष्ट्रपति या गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो वो कौन है? किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? किसी भी राज्य के राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका आंसर होगा सी। राष्ट्रपति को अगर लगे हटा देना चाहिए तो राज्यपाल को हटाया जा सकता है, ठीक है। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? 1.10 लाख दिया जाता है। 1,10,000 रुपए फिलहाल दिया जाता है, लेकिन 2018-19 में इसे 3.5 लाख करने की बातें हो रही है, ठीक है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? वह है राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है। यदि संविधान राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल रह सकते हैं। राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं राज्य में। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन? सम्मिलित है विधान। इसका आंसर होगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व हो। अगर विधान परिषद किसी राज्य में हो तो वो, और विधानसभा और राज्यपाल, यानी इसका आंसर होगा केवल डी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो कौन है? राज्यपाल है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? वो है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए?
वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी सही है। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करता, तो ये सभी सही है। अनुच्छेद 157 में दिया हुआ है कि राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ का पद नहीं हो, और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यह संविधान के अनुच्छेद 157 में दिया हुआ है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये आंसर है। राज्य निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद में नियुक्त किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती, ये गलत है। ये पहले ऐसा होता था 1950 से 1967 के बीच में होता था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस 1967 के चुनाव में कांग्रेस जब सत्ता में थी, उस समय कई राज्य ऐसे थे जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, उस समय इस प्रथा को खत्म कर दिया गया था। अब राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं लिया जाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधायी शक्ति तो प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है और न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन सैन्य एवं राजनयिक शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो करता है, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को नहीं करता है, यानी आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श कर सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति को राज्यपाल सलाह देते हैं, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन या उपर्युक्त सभी? इसका आंसर होगा डी, यानी किसी भी व्यक्ति जो कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा या सहकारित आंदोलन में से किसी से भी संबंधित हो उसकी नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसकी कोई निश्चित संख्या निश्चित नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए आने जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर है असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्री परिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भगवान शाह। ये कौन थे? तत्कालीन जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 5 सदस्य थे। वो सदस्य कौन थे? बी गोपाल रेड्डी, अलियावर जंग विश्वनाथन तथा एम धवन थे, ठीक है। इस समिति ने कई सिफारिशें की थी, ठीक है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाला
चिड़िया के समतुल्य यह कथन किसका है? यह हमारे देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू का कथन है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है जिसमें अनुच्छेद 92 में कहा गया है कि संवैधानिक विफलता होने पर राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल राज्य विधानसभा के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत। इसके अलावा जो राज्य के विधान परिषद है उसके सदस्यों के चुनाव के संबंध में क्या अनुच्छेद 171 में दिया है, 171(3) में दिया हुआ, ठीक है, जिसके अनुसार राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य उस राज्य के नगर पालिकाओं, जिला परिषदों तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों जिन्हें संसद विधि द्वारा विनिर्देश करे के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, और परिषद के 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं तथा उससे उच्च स्तर के शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष के पुराने शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों या उनके समान योग्यता रखने वाले राज्य के निवासियों द्वारा चुने जाते हैं, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं जो कि राज्य विधान परिषद में राज्य के उन व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, ठीक है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या है? विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वो है राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर।